गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। डिफरेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं प्रोज को, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि हमारा है डीप वाटर यानी गहरा पानी, जिसके राइटर हैं विलियम डॉगल्स, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर पर डे शाम 8 बजे आपकी क्लासेस इंग्लिश की होती हैं, और यहाँ से तैयारी करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से पा सकते हो। प्यारे दोस्तों, आइए दिन न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। लेकिन दोस्तों, प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप सोचते हैं कि 2 मिनट आगे का देख लूं, समझ में आता है तो आता है, नहीं फिर आगे बढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं। पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत आपको समझ में नहीं आएगी पहली बार में। आप थोड़ा 5 मिनट पढ़कर देखिए, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर सॉलोड एंड चोक्ड। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, मैं पानी के सतह पर हाथ पैर मारता रहा, ठीक। तो फ्लेल्ड मतलब क्या होता है, हाथ पैर मारना। सॉलोड मतलब पानी निकला, एंड और चोक्ड यानी गला रुक गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैंने अपने पैर को ऊपर उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो निर्जीव भार की तरह लटके रहे। पैरालाइज्ड यानी संज्ञा शून्य हो गए, एंड रिजिड और जड़वत हो गए, ठीक है, यानी जम गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी, अ ग्रेट फोर्स यानी एक बहुत भारी शक्ति, एक बहुत बड़ी शक्ति, वॉज पुलिंग मी यानी मुझे खींच रही थी अंडर यानी नीचे। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड माने होता है चीखना। तो राइटर क्या कहते हैं कि मैं चीखा, बट लेकिन ओनली वाटर, ठीक, ओनली द वाटर हेयर्ड मी। हेयर्ड माने क्या होता है, सुनना। मैं चीखा लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड, ठीक, स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, ठीक, मैंने शुरुआत कर दी थी एक लंबी यात्रा, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल यानी दोबारा यानी पुनः तालाब के तल पर जाने के लिए। आई स्ट्रक एट द वाटर, स्ट्रक मतलब होता है भैया जोर आजमाना, तो आई स्ट्रक मैंने जोर आजमाया एट द वाटर यानी पानी पर। एज, ठीक, जैसे आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे जाने लगा तैसे मैंने पानी पर जोर आजमाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, ठीक, अपने ताकत को। एज वन इन नाइट मेयर फाइट एन इररेस्टिबल फोर्स, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, ठीक, अपने ताकत को इस प्रकार खत्म होते हुए, जैसे वन यानी कोई व्यक्ति इन नाइट मेयर यानी रात के स्वप्न में, ठीक है, भयानक स्वप्न में फाइट यानी लड़ता है, एन एक इरिस्टिबल यानी अपराजय फोर्स यानी शक्ति से, ठीक, इस तरह अपने ताकत को गवाते हुए जैसे कोई व्यक्ति भयानक स्वप्न में किसी अपराजय शक्ति से लड़ता है। आई यानी मैं, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस फूल चुकी थी। माई लंग्स, मेरे फेफड़े एस्ड यानी दर्द कर रहे थे। माई हार्ट थ्रोब्ड और मेरा सिर धक धक कर रहा था। क्लियर, कहीं भी अगर समझ में ना आए तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। और माई फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मीनिंग्स को बताते चलता हूँ, आप लोग अपनी किताब को खोल लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, इसके मीनिंग को लिखते चलिए और याद कर लीजिए, ताकि बाद में अगर आप इसका मीनिंग निकालना चाहें तो निकाल सकें। आई वॉज गेटिंग डिजी, गेटिंग डिजी मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है, गेट डिजी मतलब चक्कर आना। तो आई वॉज गेटिंग डिजी यानी मुझे चक्कर आ रहे थे, बट लेकिन आई रिमेम्बर मुझे याद थी द स्ट्रेटजी यानी वह योजना, मुझे चक्कर आ रहे थे लेकिन मुझे वह योजना याद थी। अब कौन सी योजना, जब राइटर ने बनाई थी नीचे जाते हुए, यानी आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं तालाब के अप द पूल यानी मैं तालाब के तल से छलांग लगाऊंगा, ठीक है, एंड और कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, और एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई यानी मैं लेट जाऊंगा, लाई मतलब होता है लेटना।
फ्लेट यानी सीधा ऑन द वाटर, मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा, स्ट्राइक आउट, ठीक है, अपने स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स। स्ट्राइक आउट मतलब होता है पानी काटना, तो स्ट्राइक आउट मतलब पानी काटूंगा विथ माई आर्म्स अपनी भुजाओं से, और एंड थ्रेस विथ माई लेग और अपने पैर मारूंगा, देन फिर आई वुड गेट टू द इज, इज माने होता है किनारा ऑफ द पूल, फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा। ओके माय फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, आई वेंट डाउन, मैं नीचे जाता गया, डाउन नीचे जाता गया इंडलेसली यानी अनंत रूप से, मैं नीचे और नीचे अनंत रूप से जाता गया, आई ओपनेड माई आईज, मैंने अपनी आँखें खोली, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, कुछ नहीं था किसके सिवाय, एक पीली चमक वाले पानी के सिवाय, डार्क वाटर यानी अंधेरा सा पानी, दैट नो वन कुड सी थ्रो, जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता था, एंड देन सीर स्टार्क टेरर साइज मी, एंड देन और तब भयानक डर ने मुझ पर काबू कर लिया, टेरर दैट यानी वह डर नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह डर जहाँ समझ काम नहीं आती, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह डर जो बेकाबू हो जाता है, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह डर जो कोई नहीं समझ सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जिसने इसका अनुभव नहीं किया है, आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था, श्रिंकिंग माने चीखना, तो मैं पानी के नीचे चीख रहा था, आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं संज्ञा शून्य हो गया था, ठीक है माय फ्रेंड्स, अंडर वाटर यानी पानी में, स्टिफ यानी कठोर हो गया था, रिजिड और जम गया था, विथ फियर यानी डर से, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, यहाँ तक कि द स्क्रीम्स यानी चीखें इन माई थ्रोट मेरे गले में वर फ्रोजन, यहाँ तक कि चीखें भी मेरी गले में जम गई थी, ओनली माई हार्ट केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड और मेरे सिर की धड़कन सैड यानी कह रही थी दैट कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब भी जिंदा हूँ। ओके माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, एंड और देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, एंड और तब यानी देन यानी तब, और तब इन द मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है के मध्य में, एंड इन द मिस्ट ऑफ टेरर, और तब आतंक के मध्य में, टेरर मतलब होता है आतंक, और तब आतंक के मध्य में केम अ टच ऑफ रीजन, एक समझ की बात याद आई, आई मस्ट रिमेम्बर, मुझे याद थी टू जम्प यानी जंप करना, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तल को छूंगा, एट लास्ट अंत में आई फेल्ट, मैंने महसूस किया द टाइल्स अंडर मी, कि जो तालाब के नीचे तल में टाइल्स लगी हुई थी वो मेरे नीचे है, माई टॉइस, टॉइस मतलब होता है पैर की उंगली, तो मेरे पैर की उंगली रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेब देम, मेरे पैर की उंगली वहाँ पर पहुँच रही थी ऐसा मानो कि वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड मैंने छलांग लगाई विथ एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी ताकत मेरे अंदर थी उनको इकट्ठा करके मैंने छलांग लगाई, ठीक है माय फ्रेंड्स, जब राइटर तल पर पहुँचते हैं, ठीक है, तीसरी बार, तब वे अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके छलांग लगाते हैं, बट लेकिन द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन छलांग लगाने का कोई अंतर नहीं आया, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों तरफ घेरे हुए था, आई लुक्ड फॉर रोप, आई लुक्ड मैंने तलाश किया, लुक्ड मतलब, लुक्ड फॉर मतलब होता है तलाश करना, तो आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी की तलाश की, लैडर्स यानी सीढ़ियों की तलाश की, वाटर विंग्स और जलपरों की तलाश की, तो मैंने रस्सी सीढ़ियों और जलपरों की तलाश की, नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवाय कुछ ना था, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मास मतलब होता है बड़ी मात्रा में, तो अ मास ऑफ येलो वाटर, ठीक है, पीले पानी की बड़ी मात्रा ने हेल्ड मी, मुझे घेर रखा था, स्ट्रॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड मी, होल्ड ऑन मी, स्ट्रॉक टेरर टुक एन इवन डीपर, डर ने मुझे कसके पकड़ रखा था,
लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा जैसे कोई बड़ा विद्युत का यानी बिजली का आवेश हो। आई सुक एंड ट्रेबल्ड, मैं हिल और काँप रहा था। सुक माने हिलना, ट्रेबल्ड माने काँपना, ठीक है। विथ फ्राइट, मैं डर से काँप और हिल रहा था। माई आर्म्स यानी भुजाएँ वुडंट मूव यानी नहीं हिल पा रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं पा रहे थे। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की मदद के लिए बुलाने के लिए। टू कॉल फॉर मदर यानी माँ को आवाज़ देनी चाहिए। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली ठीक है यानी विचित्र बात थी। और तब विचित्र बात थी, देयर वॉज अ लाइट यानी प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ आवफुल येलो वाटर, आई वॉज कमिंग आउट मतलब मैं बाहर आ रहा था, ऑफ आवफुल येलो वाटर, आवफुल मतलब डरावने पीले पानी से। एट लीस्ट, अंत में, माई आइज वर, अंत में मेरी जो आँख थी वो बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरे नाक भी बाहर थे। देन, तब, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सुक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, आई सुक्ड मैंने खींचनी चाहिए, फॉर एयर यानी मैंने हवा खींचनी चाहिए, एंड गॉट वाटर और पानी निकल गया। द येलो विस लाइट वॉज गोइंग आउट, ठीक है, येलो विस लाइट यानी पीला प्रकाश बुझ गया था। देन ऑल एफर्ट सीज, फिर सारे प्रयास थम गए। आई रिलैक्स्ड मैं निश्चिंत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर थके हुए महसूस कर रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्विप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक अंधेरा सा मेरे दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट, इतने मिटा दिए फेयर यानी डर को। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने आतंक को भी मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई चिंता की बात ना थी। इट वॉज क्विट एंड पीसफुल, ठीक, या निशब्द और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड, डरने वाली कोई बात ना थी। दिस इज नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी, उनीदा होना। टू गो टू स्लिप यानी सो जाना। नो नीड टू जंप, जंप करने की कोई आवश्यकता ना थी। टू टायर्ड टू जंप, और मैं छलांग लगाने के लिए अत्यधिक थका था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, यह अच्छा था कि कोई उठाकर ले जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस यानी आसमान में तैरते हुए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर मतलब होता है नाजुक, आर्म्स मतलब होता है भुजाएं, नाजुक भुजाएं मेरे चारों तरफ थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाजुक भुजाएं जैसे माता के, माता जी के। नाउ, अब, आई मस्ट गो स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओबिलियन, मैं बेहोशी के संसार में पहुँच गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ, कर्टन मतलब होता है पर्दा, तो कर्टन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का पर्दा, फेल मतलब गिर गया। एंड और द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक सीखा, और बचे हुए जो हमारे पैराग्राफ्स हैं वो कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई आपको असुविधा हुई हो, कोई पैराग्राफ ना समझ में आए हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या मैं तेज़ पढ़ाता हूँ तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आप तेज़ पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी असुविधा हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद की क्लास में हम लोग बचे हुए पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के सॉल्यूशन को देखेंगे बहुत अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक। और यहाँ से तैयारी करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ ला सकते हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है। हम लोग अपने ग्रामर के पोर्शन को पढ़ चुके हैं, और अभी लिटरेचर के पोर्शन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोज के थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद पोएट्री, फिर सप्लीमेंट्री को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसीलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। और अगर वीडियो सच में पसंद आया हो तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लिखें। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों की क्लासेस टाइमिंग का पर डे इवनिंग 8 PM, तो मिलेंगे कल शाम 8 बजे।
Till then, keep learning, keep watching, keep improving yourself. See you tomorrow. Good night to all of you, my dear friends.